बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज यानी कि चेनाब ब्रिज के बारे में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या बात है, क्या नज़ारा है। वैसे एक बात है, इतनी हाइट से जो गुजरेगा अगर उसे हाइट फोबिया हुआ तो ये यात्रा उसको कभी नहीं भूलने वाली। बहुत ऊंचा है और बहुत अमेजिंग लग रहा है देखने में। आर्च डिजाइन है इसका, मेहराब नुमा। इस वीडियो में आपको चेनाब ब्रिज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि अभी तक कितना काम हुआ है, इसके कंप्लीट होने में अभी और कितना टाइम लगेगा और इसके बनने से क्या क्या फायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पापा कंस्ट्रक्शन। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन में इस ब्रिज को बनाया जा रहा है और इस ब्रिज के कॉन्ट्रैक्टर हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में IISC बेंगलोर, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और DRDO की भी हेल्प ली जा रही है। इसके अलावा जर्मनी और फिनलैंड के डिजाइनर्स की भी हेल्प ली जा रही है चेनाब ब्रिज में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले 2002 में ही इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इतनी सारी मुश्किलें आ रही थी कि 2008 में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ही रोक दिया गया और ऐसा लगने लगा कि ये ब्रिज अब कभी नहीं बनेगा। लेकिन 2010 में एक बार फिर से इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार भी कंस्ट्रक्शन की स्पीड अच्छी नहीं थी। फिर 2017 के बाद इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोर शोर से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये ब्रिज दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज होगी, जिसकी हाइट रिवर बेड से 359 मीटर, यानी कि ये ब्रिज फ्रांस के फेमस एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा होगा। ये तो एक वंडर ही बनने जा रहा है दुनिया का। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में लगभग 30,000 मेट्रिक टन स्टील, 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क और लगभग 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा लगभग 26 किलोमीटर का मेटल रोड भी बनाना पड़ा इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। दोस्तों, इस ब्रिज के केवल आर्च का ही वेट 10,000 मेट्रिक टन से अधिक है, इसीलिए इस ब्रिज में सबसे मुश्किल था इसके आर्च का कंस्ट्रक्शन करना, और 2019 के एंड तक इसके आर्च का लगभग 80% काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन 2020 में कोविड पैंडमिक के कारण इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से स्लो हो गया और फाइनली 5 अप्रैल 2021 को इसका आर्च कंप्लीट हो गया। तो फाइनली अब आर्च का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, जो कि इस ब्रिज में सबसे मुश्किल था। तो अभी आर्च के ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है। ये लेटेस्ट पिक्चर है चेनाब ब्रिज का। बहुत बड़ा लगता है, पर वाकई देखने में एक अमेजिंग नज़ारा पेश करेगा। क्या बात है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इंडिया में बन रहा है। देख कर आप आइडिया लगा सकते हैं कि अभी तक इसमें कितना काम हुआ है और अभी कितना काम बाकी है, यानी कि इसमें कितना टाइम और लगने वाला है। और अगर ऑफिशियल्स की माने तो लगभग 1 साल का और टाइम लगेगा इस ब्रिज को कंप्लीट होने में, यानी कि 2022 के लास्ट में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की उम्मीद है। क्या बात है यार। दोस्तों, कश्मीर वैली को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है, इधर भी कश्मीर जमीन पर जन्नत, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। तो कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने के लिए जम्मू उधमपुर बारामूला रेल लाइन की शुरुआत की गई थी, जिसमें से 2005 में जम्मू से उधमपुर सेक्शन कंप्लीट हो गया। वहीं बनिहाल से बारामूला सेक्शन 26 जून 2013 से ही फंक्शनल है, लेकिन ये रेल लाइन अभी तक इंडियन रेलवे के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। फिर 4 जुलाई 2014 को उधमपुर से कटरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब केवल कटरा से बनिहाल सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी सेक्शन में चेनाब ब्रिज भी बन रहा है। यही तो मेरे सबसे मुश्किल है। इस सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद बारामूला तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि कश्मीर घाटी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी इंडियन रेलवे की, जिससे जम्मू एंड कश्मीर के लाखों लोगों के साथ साथ हर साल लाखों टूरिस्ट और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।
तो इस रेल लाइन के सेक्शन में चेनाब ब्रिज एक मेन स्ट्रक्चर है और इसके बनते ही लगभग सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे इस सेक्शन में एक और मेन स्ट्रक्चर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंजी खड ब्रिज, जो कि इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज होगा। तो अगर आप अंजी खड ब्रिज या फिर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक। ये वीडियो हमारे प्यारे व्यूवर एथेंस की तरफ से सजेस्ट की गई थी। चेनाब रेलवे ब्रिज इंडिया, साउथ एशिया, एशिया, इवन के वर्ल्ड का भी सबसे टालेस्ट ब्रिज होगा 359 मीटर की हाइट के साथ, और ये 1176 फीट बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे पहले इस तरह के झूबे हमने चाइना में बनते देखे हैं। चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनेगा बहुत जल्द, और ये पेरिस के एफल टावर से भी ऊंचा होगा। इसके साथ साथ ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू से दुगना होगा अपनी हाइट को लेके। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की हाइट 182 मीटर है, जबकि चेनाब रेलवे ब्रिज की हाइट 359 मीटर में होगी। ये ब्रिज इतना लंबा है कि जो यात्री हाइट फोबिया का शिकार होंगे उनके लिए तो इस ब्रिज से गुजरना किसी कारनामे को सर करने से कम नहीं होगा। वो तो बेचारे आंखें बंद करके इस पुल को गुजारेंगे, लेकिन जो लोग हाइट फोबिया का शिकार नहीं है वो इस नज़ारे को बेहतरीन तरीके से इंजॉय करते हुए गुजरेंगे। दुनिया का ये सबसे बड़ा ब्रिज स्टील और कंक्रीट को मिलाकर बनाया जा रहा है, और इसकी लंबाई यानी इसकी लेंथ 1315 मीटर होगी, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अगर चेनाब रेलवे ब्रिज की लोकेशन की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के ज़िले रेसी में होगा। इसके साथ साथ इसका बनना वैसे भी बहुत लंबा होता जा रहा है, जैसे कि वीडियो में बताया गया कि साल 2002 में जब बीजेपी के पहले वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी इक्तदार में थे उस वक्त इसका मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन 2 से 3 बार ये मंसूबा डिले कर दिया गया जिसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। लेकिन अब बीजेपी के दूसरे प्रधानमंत्री और इंडिया के मकबूल तरीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दौर में इस ब्रिज के मुकम्मल होने का इम्कान है, और दिसंबर 2022 में यहाँ पर रेलवे ट्रैफिक गुजरेगी। अगर मोदी जी बीजेपी के इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर भी लेते हैं दिसंबर 2022 में, तो भी दुनिया को सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को देखने के लिए 18 से 20 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़े। इसके साथ साथ अगर इस ब्रिज के डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन आर्च यानी मेहराब की शक्ल का होगा। 1486 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का ज़्यादातर काम इंडियंस कंपनी कर रही है, जिसमें अफकॉन का नाम सबसे ऊपर है। इसके साथ साथ जैसे वीडियो में बताया गया कि दीगर बाहर के मुल्कों से इंजीनियर्स की सहूलियात तो मैसर है, लेकिन इस ब्रिज का ज़्यादातर काम खुद भारत सरकार कर रही है, और ये भारत रेलवे के अंडर डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट जारी है। अब इस ब्रिज से बाहर निकल के कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं कि दिल्ली सरकार के लिए ये ब्रिज क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज 18-20 साल के बाद भी इस पर काम जारी है और इसे ख़त्म नहीं किया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर की लोकेशन है, कश्मीर के साथ इंडिया के मामलात हैं, और भारत सरकार खसूसन बीजेपी चाहती है कि कश्मीर को दिल्ली सरकार के साथ जोड़ दिया जाए। पिछले दिनों मोदी जी आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पे थे, तो उन्होंने वहाँ ये बात की थी कि पहले एक फाइल कश्मीर से चलती थी तो उसे दिल्ली पहुँचने में कई हफ्ते का टाइम लग जाता था, लेकिन आज एक फाइल तुरंत कश्मीर से दिल्ली पहुँच जाती है। मोदी जी, कश्मीर से दिल्ली बहुत सारी फाइलें पहुँचती हैं, लेकिन शायद उन्हें समझने में और सुनने में अच्छी खासी देर की जा रही है। अगर मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2022 में कामयाबी के साथ मुकम्मल करती है तो ये वाकई उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सच में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का भारत में बनने का सुन के बहुत अच्छा लगा। रोड से मुतल्लिक जो ब्रिज हैं वो आज तक चाइना में सबसे ऊंचे बनाए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे में ये पहला सबसे ऊंचा ब्रिज होगा जो हमारे हमसाये देश भारत में होगा। जैसा कि वीडियो में बताया गया कि कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के लिए फौजी साजो सामान ले जाने में भी आसानी होगी, पर वो फौज वहाँ जाएगी क्यों, ये एक अलग बहस है। इसके साथ साथ वहाँ सियाहत को अच्छा खासा फ़रोग मिलेगा, और कश्मीर और दिल्ली के दरमियान दिलों में मोहब्बतें पैदा होंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन मोहब्बतें पैदा करने के लिए और भी बहुत से मामला ज़रूरी हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, सच में इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देख के बहुत अच्छा लगा। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।